हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज फोर क्लास 11th एक्सरसाइज 17.1 रिलेटेड बाय केसी सिन्हा से, जिसमें कि पिछला एक दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे कुछ घर में इमरजेंसी वर्क होने के कारण। तो चलिए आज से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि देखिए अगर ऑफलाइन शुरू हो जाए 1 तारीख से तो 100% उम्मीद है। तो हम लोग चलिए 10th तक प्रोग्राम डिस्कस किए थे, अब 11th से डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि इच ऑफ द सीक्वेंस 3, 5, 7 एंड 4, 7, 10 इज कंटिन्यू करता है कि इस तरह से अगर 100 पद तक चलता है तो बोलता है कि हाउ मैनी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि कितना पद दोनों में एक समान होगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं, 3, 5, 2 का अंतर, 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस तरह से डॉट डॉट। फिर अगला पद है 4, 7, 10, 10 के बाद 13, 3, 3 का इसमें अंतर है। इस तरह से ये दोनों पद जो है 100 तक चलता है। कहता है दोनों में कॉमन क्या है, यही निकालना था। 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना है 7, देखिए 7 इसमें कॉमन है। फिर एक 13 आता है कॉमन, तो 7 के बाद 13, 6 का अंतर, फिर अगला पद 19 होगा, इस तरह से डॉट डॉट। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 से लेके 100 तक पद में इसका TN कितना निकलता है। तो पहला है 3, 5, 7 से लेके 100 पद में, तो ए तो मेरा 3 हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 5 - 3, 2, T100 हमको निकलना है। तो T100 क्या होगा, A+N-1 × T, ए के जगह 3 है प्लस 100, एन के जगह 100 - 1 × 2, तो 100 में 1 गया 99 × 2, तो 198, तो 3 + 198 = 201 होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए 4, 7, 10 से लेके इसको भी 100 पद तक निकालना, चूंकि दोनों कंटिन्यू है 100 तक। ए का मान 4, डी निकला 7 में से 4 गया 3, T100 निकालेंगे, तो 4 + 100 - 1 × 3, तो 99 × 3 = 297, और +4 = 301। अब कहता है कि दोनों में कितना आइडेंटिकल है, तो चूंकि एन का मान निकालना है, इसमें एन ना मान के हम लोग आर मान लेते हैं, आर विद कॉमन टर्म, टी आर होगा A+R - 1 × T। अभी जस्ट हम लोग बताए थे दोनों में जो मिला था, पहला मिला था 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19 मिलेगा डॉट डॉट। ए का वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 6, तो हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है, तो आर का वैल्यू। तो ऑब्वियस है कि टी आर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एन है एन के जगह आर रख दिया, तो A+R - 1 × T, तो क्या हो जाएगा, ए के जगह 7 + R - 1 × 6, तो 6R - 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये आ गया। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एक एग्जांपल देते हैं, दोनों में आइडेंटिकल है, सपोज कीजिए कि 1 से 10 पद तक है और दूसरा 2, 4, 6 से लेके 12 पद है। जब भी दोनों में कॉमन होगा तो पहला होगा 2, 1, 2, 3, 4, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह 10 तक ही लेंगे, मिनिमम लेना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम 12 हो जाएगा, तो ये तो एक्सीड इससे कर गया, बढ़ गया, इसलिए मिनिमम को काउंट करते हैं। तो मिनिमम कितना है दोनों में, उसमें था 201 निकाले थे, देख लीजिए इसमें, इसमें 201 है, इसमें 301, तो मिनिमम लेंगे 201, चूंकि मिनिमम बोलता है तो इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखे, तो 6R1 को इधर भेजिए, 201 - 1, तो कितना हो जाएगा 200, तो 6 से डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा 6R/6 लेस देन इक्वल टू 200/6, 6 कैंसिल, तो R इज लेस देन इक्वल टू 33 पूर्णांक 2/3 आ गया। तो R इज लेस देन 33 पूर्णांक इतना और R बराबर इतना हो गया, तो अभी से जो मिनिमम आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा 33 पूर्णांक 2/3, इतना तो लेना नहीं है, तो एक अप्रोक्सेस ले लिए 33, ये सवाल था। आज कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा समझने की समझिएगा इजी वे में। देखिए सेकेंड नंबर क्या बोलता है कि फाइंड द ऑल पॉजिटिव इंटीजर 3 डिजिट डिविजर बाय 5, कहता है 3 अंकों के सभी पूर्णांक संख्या बताएं जो 5 से डिविजिबल हो। देखिए 3 अंक बोलता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अंक होता है 1, 2 अंक का अगर लेते हैं तो हम लोग 10 लेते हैं, और 3 अंक में मिनिमम कितना लेते हैं 100 लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग को आइडिया है मिनिमम ये होता है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या जो 5 से डिविजिबल है, तो 100 तो ऑब्वियस है कि 5 से डिविजिबल होगा, दूसरा हमको क्या लेना है, इसके बाद तो 105 होगा, 5, 5 का अंतर, अंतिम पद का 3 अंक तक चलेगा, तो 995, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल होगा अगर इकाई के अंक पे 0 या क्या हो 5 हो। अगर सपोज कीजिए 1000 लेते हैं तो वो 4 अंक का हो जाएगा, इसलिए 995 लिखे। तब देखिए कितना है, ए का मान लिखे 100, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 100 में 5 में से 100 गया, कितना बचा 5,
और टीएन जो अंतिम पद है वो 995, तो फिर से टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टीएन के जगह 995 बराबर ए के जगह क्या है 100 प्लस एन माइनस वन, डी के जगह 5 लिखे, जब इसको गुना किया तो 5n-5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 100 में से 5 किया 95 प्लस 5n इक्वल टू 995, तो 5n क्या होगा 995 में से 95 गया 900, इसलिए n बराबर क्या होगा 900/5, दैट मीन्स कि कितना हो गया तो 180 जो है इसका जो है टोटल पदों की संख्या होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि 4n AP, कहता है कि एपी में आप दिखाइए कि टीएम और प्लस क्या निकाले हैं, टीएम प्लस टी 2n प्लस n इज इक्वल टू 2tm प्लस n। सबसे इजी सवाल है, देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू टी, तो हमको tm निकालना, तो tm क्या हो जाएगा a प्लस n के जगह m रखते हैं m माइनस वन इंटू टी, तो वैसे a प्लस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा md माइनस डी। इसी तरह सिमिलरली t2n प्लस m, तो n के जगह क्या है 2n प्लस m है, ए प्लस एन, एन के जगह क्या आएगा 2n प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस गुना कीजिए 2nd प्लस md माइनस डी, इसको सेकेंड माने। अब देखिए LHS में क्या है tm प्लस t2n प्लस m, तो पहला लिखिए tm प्लस t2n प्लस m, तो वीडियो को आप दो चार बार देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ लीजिए, एक बार देखिए नहीं समझ में पॉज करके फिर देखिए इस तरह से रिपीट करना है बस। तो देखिए tm का फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे इक्वेशन 1 और 2 का, ए प्लस md माइनस डी, इसका लिखे थे ए प्लस 2n डी प्लस एम डी माइनस डी, देखिए ए जोर ए 2a, md 2md माइनस डी माइनस डी माइनस 2ad और 2nd लिखे, देखिए 2 कॉमन ले लिए, तो a प्लस इधर md प्लस nd माइनस डी, इसमें क्या कॉमन है सब में डी कॉमन है, तो डी कॉमन लिए तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए चूंकि tn का फॉर्मूला था a प्लस n, ये मेरा n होता है, माइनस वन के जस्ट बगल में जो भी टर्म होता है वो n होता है, देखिए माइनस वन के जस्ट बगल में क्या है mn है, इसीलिए लिखिए tmn प्लस वन, ये हो गया tmn प्लस वन, ये माइनस वन तो नहीं, यही मेरा n हो गया, तो 2tmn प्लस वन ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला कहता है क्या, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, बोलता है 3711 से लेके 399 तक है, इसमें कहता है कितना पद होगा, पहले इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पद क्या है, ए का मान 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 के बाद 7 है तो 4 है, और टीएन का मान कहता है 399, तो चूंकि टीएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 399 बराबर 3 प्लस इसको गुना किए 4n-4, 399 में से 3 गया 396, 4 को इधर लाए प्लस 4 इक्वल टू 4 है, तो 396 प्लस 4 कितना हुआ 400 इक्वल टू 4n, एन का मान 100, ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में कहते हैं ऑल्सो फाइंड द 20वां पद निकालिए, लेकिन अंतिम से निकालिए, तो ये तो 3 से लेके जो है शुरू है ये अंतिम है, देखिए अंतर कितने का 3 के बाद 7 4 का अंतर है, तो अंतिम से निकालेंगे क्या हो जाएगा 399, 4 घटाइए 395 391 डॉट डॉट, तो ऑब्वियस है ए का मान 399, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 395 में से 399 गया माइनस 4, और एन का मान कितना निकला 20, तो टी 20 क्या निकालेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है 399 प्लस 20 माइनस वन इंटू माइनस 4, 399 में से 20 माइनस 1 19 गुना माइनस 4 का तब माइनस 76, तो 399 में से 76 गया 323, ये हो गया क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छोटा ऐसा ही सवाल है, कहता है इफ tn, इफ निकालना है हमको क्या कि tn निकालना है सच दैट t4/t7 बराबर 2:3 दिया है, कहता है क्या निकालना है t8 बटे कितना निकालना है हमको, तो t49 निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए tn का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो चूंकि t4 है तो t4 पहले निकाले a प्लस 4-1 कितना हुआ 3d, इसी तरह सिमिलरली t7 निकालेंगे a प्लस एन के जगह क्या होगा 7-1 इंटू डी, तो a प्लस 6d हो गया। अब चूंकि t4/t7 का रेशियो दिया है, t4 कितना है तो a प्लस 3d हो जाएगा, ऊपर में देखिए अभी निकालें t4 a प्लस 3d बटे ए प्लस 60 अनुपात का है 2:3, इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना 3a + 3 3 9d बराबर 2a + 12d, इसको इधर लाइए 3a - 2a बराबर 12d में से 9d गया, a बराबर 3d। अब कहता है कि t8/t7, t8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d चूंकि एक कम होता है, t9 को लिखेंगे a प्लस 8d, a का वैल्यू कितना है 3d, अभी निकाले हैं जस्ट सिंस हम लोग बगल में मेंशन कर लेते हैं कि a इक्वल टू कितना निकाले हैं 3d, तो ए के जगह 3d + 7d है ये 3d + 8d 3 + 7 10d बटे 11d दोनों का उसके कितना हो गया, तो t8/t9 कितना हुआ 10/11, यही आंसर है। एक थोड़ा सा देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो है हम लोग लॉग के बारे में एक बेसिक्स है, अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है,
नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें सवाल में क्या दिया है, एक ध्यान से देखिए कि एक पद है, बोल रहा है क्या चीज कि कॉन्सेप्ट देखिए लॉग का, ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक में कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ, तब थोड़ा सा बचेगा, एक दिन का टाइम बचेगा कंप्लीट, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग क्या है अभी तत्काल में समझिए, बाद में इसको प्रूफ सब करके बताएंगे। लॉग एम गुना एम, ये हम लोग पढ़े भी हैं, क्या पढ़े हैं, लॉग एम जोर लॉग एन। सेकेंड नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, लॉग एम डिवाइडेड एन, इसमें हम लोग पढ़े हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, ध्यान में सिर्फ रखिएगा, और लॉग एम पे पावर एन, तो ये एन आगे आ जाएगा एन लॉग एम, ये चीज हम प्रूफ करके बताएंगे, इसलिए टेंशन मुक्त रहिएगा। 16 नंबर जो सवाल है यही बोल रहा है क्या चीज, कि सो दैट, दिखावे कि द सीक्वेंस, सो दैट द सीक्वेंस, पहला लिखा है लॉग ए, दूसरा लिखा है लॉग ए बी, तीसरा लिखा है लॉग ए बी स्क्वायर से डॉट डॉट आर इन ए पी, कहता क्या ये ए पी में है, इन ए पी सॉरी इन ए पी, और फिर कहता है कि फाइंड द ऑल्सो टी एन निकालिए, यही चीज बोल रहा है निकालने। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का सॉल्यूशन में टी वन तो दिया हुआ है, कितना दिया है लॉग ए, देखिए टी टू दिया है कितना लॉग ए बी, इसमें हम लोग जानते हैं लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम जोर लॉग एन। टी थ्री जो दिया है वो दिया है लॉग ए बी स्क्वायर, पहले लॉग एम के जगह कितना है लॉग ए, और फिर एन के जगह क्या है लॉग बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए, देखिए एम पे पावर एन का फॉर्मूला एन, एन आगे आ गया कितना हो गया टू लॉग बी, ये मेरे पास क्या निकला टी थ्री। अब कहता है ए पी में है कि नहीं, ए पी में हम बताए थे कंडीशन क्या होता है, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, ए पी में जांच करनी है, तो टी टू मेरे पास कितना है, ये है लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस टी वन, कितना है मेरे पास लॉग ए, देखिए टी थ्री कितना निकला है मेरे पास लॉग ए प्लस टू लॉग बी, अब माइनस टी टू कितना निकला है लॉग ए, अब प्लस प्लस माइनस हो जाएगा कितना लॉग बी, देखिए ये दोनों कैंसिल, लॉग ए कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा लॉग बी, और टू लॉग बी में बी गया तो कितना बचा लॉग बी, दोनों इक्वल है और भेजे कि किस में है ए पी में है, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ए तो मेरा पहला पद दे ले है, कितना दिया है लॉग ए, अब कहता है टी एन निकालने के लिए, तो टी एन तो ईजी है, कैसे निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए कितना है लॉग ए प्लस एन के जगह मालूम नहीं, अब कॉमन डिफरेंस कितना है लॉग बी, तो हम लोग जानते हैं इसको किस तरह लिखेंगे, लॉग ए प्लस एन से गुना कर दीजिए एन लॉग बी माइनस कितना होगा लॉग बी हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे लॉग बी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो एक साथ पहले लिख लेते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी को एक साथ लिखते हैं और एन लॉग बी को बाद में लिखेंगे, तो लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम बटे एन, तो ए बटे बी हो जाएगा, अब प्लस ई एन ऊपर चल गया तो कितना हो गया लॉग बी पे पावर एन। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं लॉग एम जोर लॉग एन, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लॉग एम के जगह कितना होगा ए बटे बी, और एन के जगह क्या होगा बी पे पावर एन, कुछ तो पावर एक है ये ऊपर चल गया क्या हो जाएगा लॉग ए बी पे पावर एन माइनस वन, यहीं तक रहने दीजिए, आप लोग पहले इतना दूर तक कंप्लीट बनाइएगा, उसके बाद फर्दर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, रहने दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करने से आपको दो बेनिफिट है, एक तो पहले आपसे वो पूछेगा कैसे बना, आप उसको समझाते हैं एक बार फेयर कीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद जब ऑफलाइन, उम्मीद है कि 1 तारीख से क्लास होना चाहिए, अगर ऑफलाइन शुरू होगा तो फिर से कंटिन्यूस रहेगा, थैंक यू, धन्यवाद।